दो सके भरावां दा गोलियां मार के कतल किया गया। दरअसल किराएदार अते मकान मालकां दे विच लड़ाई झगड़ा हो गया। किराएदारां दे वल्लों दो सके भरा जो कि मकान दे मालिक सी उन्हां दा कतल किया गया। बड़ी बेरहमी दे नाल उन्हां नूं मौत दे घाट उतारिया गया। किराएदारां नूं घर खाली करन दे लई कहा सी। इस गल नूं लै के मकान मालकां ते हमला किया गया ते किराएदारां ने उन्हां नूं गोली मार के मौत दे घाट उतार दिता। दिल्ली दी गीता कलोनी दे विच पहला ही झड़प हुई। नोक झोक तो बाद दो सके भरावां दा बड़ी बेरहमी दे नाल गोलियां मार के कतल किया गया। एक भरा दुकान दे विच सी जदों उसते फायरिंग की गई। दूजा भरा जदों तलाश की तां उसकी लाश मकान दे विच ही पई सी। वारदात किराएदार ते उन्हां दे दो बेटियां दे वल्लों की गई और इन्हां दो सके भरावां दा गोलियां मार के कतल किया गया। दोवें जाने मकान दे मालिक सी। किराएदारां नूं घर खाली करन दे लई कहा सी। इन्हें नूं किराएदारां नूं गुस्सा आया ते गोलियां मार के इन्हां दो सके भरावां नूं जो कि मकान मालिक सन उन्हां दा कतल किया गया। दिल्ली दे शाहदरा इलाके दे विच इह वारदात हुई है। पहला मामूली झगड़ा होया, लड़ाई हुई, उस तो बाद फायरिंग की गई। एक दी लाश घर दे विच पई सी, दूजे नूं दुकान दे विच जाके गोलियां नाल मार दिता। फिलहाल पुलिस दे वल्लों हर एंगल तो इस मामले दी जांच पड़ताल की जा रही है। मैं घर में थी, मुझे दो तीन बच्चों ने आके मुझे बताया कि आशु भाई की चोट लग गई है। मैं गई देखने के लिए, उसके बहुत खून बह रहा था। फिर मैं हॉस्पिटल ले गई उसको, वो फेंट लग करने के लिए आया हुआ था। और बड़े भाई का मैंने कॉल लगाया, उनका कॉल जा तो रहा था फोन, लेकिन उठाया नहीं। अभी यहाँ पे मैं हॉस्पिटल से आई निपट के, तब मालूम पड़ा वहाँ पे खून पड़ा हुआ था, पुलिस वालों ने देखा। फिर उन्होंने ताला तोड़ा, उसके बाद में उनकी बॉडी बाहर निकाली, अब हॉस्पिटल लेके गए हुए। अच्छा, किस चीज से मारा हुआ था उसको? गोली लगी है सर, गोली लगी है, डॉक्टर्स ने बताया था। और कहाँ पे गोली मारी थी सर? एक इस साइड थी लेफ्ट और एक इस साइड। और ये दोनों भाई सगे थे नहीं जी? क्या नाम थे दोनों? एक बड़े वाले का नाम इरशाद है, छोटे का नाम शाहिद है। इरशाद के कहाँ गोली लगी थी? इरशाद के सर अभी नहीं पता चला उनका, अब पुलिस वाले आएंगे तब मालूम पड़ेगा कहाँ क्या है। और मालूम नहीं पड़ा। और दूसरे वाले को? दूसरे डेड बॉडी वहीं पे है हॉस्पिटल में, सुबह देने के लिए बोल रहे हैं। ओके, और क्या दुश्मनी थी, किस लोगों ने मारा, किन लोगों ने? ये मुझे कुछ नहीं मालूम, क्या दुश्मन थी उस टाइम तो कोई बात ही नहीं थी। तो उस टाइम घर पे कोई नहीं था इरशाद जब घर पे था? नहीं, बस मैं ही थी, हम दो ही तीन बहन भाई रहते हैं, बाकी भाभी गांव गई हुई है, पाँच छह दिन हो गए उनको गए। तो आपको पता नहीं चला कि आपके नहीं, नीचे सर, मुझे आवाज ही नहीं आई। मेरी फ्रेंड्स थी, उनके साथ में मैं बैठी हुई थी, उसी टाइम आई थी। किस तरह पता चला फिर आपको? मुझे बच्चों ने आके बताया कि भैया की चोट लग गई है, फिर मैं हॉस्पिटल ले गई थी। तो किसी पे कोई शक? सर शक तो नहीं है, पर एक बार लड़ाई हुई थी ईद के टाइम, इमरान से मेरे छोटे भाई से। अब ये नहीं पता वही बदला उन लोगों ने लिया है या फिर कोई और कर गया, मालूम नहीं कुछ। अभी क्या कुछ कर रही है पुलिस? सर अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है, अब देखो बताते हैं क्या, क्योंकि अभी बड़े भाई का भी मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ है। क्या इरशाद क्या करता था? इरशाद MLA की गाड़ी चलाते थे, बग्गा जी की ड्राइविंग थे। और छोटा भाई शाहिद वो काम करता था AC का रिपेयरिंग। और जो ये टेलर की दुकान है ये कौन रन करता है? ये हमारे पापा काम करते थे, जो अब नहीं है, पापा भी नहीं, मम्मी भी नहीं। मिल गए कैमरे? कुछ पता नहीं चल पाया किस वजह से इतना बड़ा कांड करा इन लोगों ने? इसके बारे में वो तो जमीन ही बढ़ गया था, पहले तो लड़ाई नहीं थी, उसके बाद में लगता ही नहीं था कि आगे कुछ लड़ाई होगी। जी मैं तो अपनी क्या कहते हैं फैक्ट्री में था, बैक साइड में। एक्चुअली क्या कहते हैं, मेरा छोटा वाला भाई ना यहाँ पर बाहर आया हुआ, तो उसने ये बताया मुझे यहाँ पर क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं बोबी का भाई है, तो उसके क्या कहते हैं गोली मार के बोले बोलते यहाँ से क्या कहते हैं चले गए घर के आगे गोली। इतनी देर में मुझे पता कर रहा लगा, तो फिर उन्होंने पापा को मुझे बताया, मैंने पापा ऐसे ऐसी बात नहीं बोला, तो जी इस तरीके से हम क्या कहते हैं देखने के लिए आए, वहाँ पर आके पता लगा कि हॉस्पिटल लेके चले गए, तो हम यहीं पर कर रहे फिर
किसके किसके गोली लगी? ये आशु आशु नाम है उसका। आशु कितने साल उम्र होगी? छोटी है, 17-18 साल लगभग है उसको। अच्छा, जो हमलावर थे कितने थे, कुछ पता चल पाया आस पड़ोस से? ये तो पता नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था, क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पर काफी बंदे मतलब ऐसे थे, लेकिन यहाँ के कोई नहीं थे। अच्छा, आशु की उम्र तो 17-18 साल है, तो क्या यहाँ पे बैड करेक्टर है, क्या बदमाश वगैरह? इसकी ये दुकान है, क्या कहते हैं दुकान के अंदर पैंट हो रहा था, चिड़िया वाली दुकान है कि, तो दुकान के अंदर पैंट हो रहा था, इसी दौरान क्या कहते हैं बता रहे हैं यहाँ पर बंदे आए, क्या कहते हैं गोली मार दी। ठीक है, और ये कहाँ पे गोली लगी इसके? जी ये बिल्कुल इसकी दुकान के सामने। नहीं, आशु के कहाँ पर गोली लगी ये बता दो सर में, रहे मुझे भी कन्फर्म नहीं पता, मुझे भी यहाँ से पता लगा कि सर में गोली मारी गई। सर पे गोली लगी, ठीक है। एक गोली लगी है यहाँ सर? हाँ, वैसे तो एक दो गोली बता रहे, दो गोली एक गोली मतलब लगी, अभी हमें कन्फर्म नहीं, अभी हम आके देखा तो यहाँ भीड़ सी लग रही थी। ठीक है, दोबारा हम देख रहे। ठीक है।